पिताजी की 5 फिल्में जो लोगों को देखना ही देखना चाहिए। सबसे पहले लव इन शिमला, फिर जिद्दी, फिर लव इन टोक्यो, फिर शागिद, फिर वो ही दिलाया हूँ। वो 5 सुपरहिट गाने जो आपको लगता है ये हर कोई सुने और उसकी जिंदगी में मतलब म्यूजिक से एक अलग चेंज आता है, तो हर किसी को सुनना चाहिए। एक गाना तो है बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आ पाए, फिर मेरा फेवरेट गाना है पिताजी का दिल की आवाज़ भी सुन, मेरे फसाने पे ना जा, मेरी नज़रों की तरफ देख, जमाने पे ना जा, और मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, और हाँ ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, और बड़े मियाँ दीवाने ऐसे ना बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। और हाँ एक मेरे पिताजी का और गाना है, जब उनका बर्थडे है, हम भी अगर बच्चे होते नाम होता हमारा, आप गाइए। ये बर्थडे सॉन्ग आपके पापा का ही सब लोग गाते हैं, हाँ, है ना? और खाने को मिलते हैं लड्डू और दुनिया कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डैड, आई लव यू। आपके पापा की 5 हीरोइंस जिनके लिए आज भी आपका दिल धड़कता है जब आप स्क्रीन पर उनको देखते हैं, मजा। अरे यस, लेजेंडरी साधना जी, लेजेंडरी आशा पारिक जी, लेजेंडरी सायरा बानू, लेजेंडरी विजयंती माला, लेजेंडरी हमारे नंदा, सो ये सारे एक्ट्रेसेस हैं। आप सबसे ज्यादा किसके? और हाँ लेजेंडरी माला सिन्हा, शर्मिला टैगोर आल्सो, लेजेंडरी शर्मिला टैगोर, तो ये सारी एक्ट्रेसेस थे मेरे पिताजी के साथ, उन्होंने फिल्में की। पापा की बेस्ट फ्रेंड कौन थी इन एक्ट्रेस में ऐसे? सायरा आंटी, सायरा बानू आंटी जी, सायरा आंटी बोलते हो, सॉरी सायरा आंटी। आपकी बात होती है? कभी कभी बीच में मैसेजेस होते हैं, बातचीत होती है। हाँ जी, तो आपके पापा ने अपने नाम से जॉय मुखर्जी प्रोडक्शन भी शुरू किया, राइट? कितनी फिल्में बनी और कोई किस्सा अगर उन फिल्मों से जुड़ा हो तो? देखिए हमसाया मेरे पिताजी की फिल्म थी जो उन्होंने प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी, तो सबसे पहले पहली फिल्म थी जॉय मुखर्जी प्रोडक्शन के अंडर, और बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे मेरे पिताजी को एज अ डायरेक्टर उस फिल्म में। उस फिल्म में लेजेंडरी शर्मिला टैगोर एंड माला सिन्हा जी थी उनके ऑपोजिट, और इस तरह उन्होंने फिर बाद में जाके उनके भाई जिन्हें मैं शोमू काका कहता हूँ, उनके लिए फिल्म बनाई थी छेला बाबू, और वो भी सुपर हिट फिल्म थी। और फिर जॉय मुखर्जी प्रोडक्शन के अंडर मैंने बहुत सारी सीरियल्स बनाए, ए दिल नादान, गुस्ता की माफ, अपने पर आए, है अपना दिल तो आवारा हमारी फिल्म जो अमेजोन में है, फिर हमने बनाई ये फिल्म अब मुझे उड़ना है जिसने 40 अवार्ड जीते हैं, वो भी जॉय मुखर्जी प्रोडक्शन के अंडर हुई है, जिंदगी अनमोल जॉय मुखर्जी प्रोडक्शन के अंडर है, और ये भी फिल्म तमाशा के साथ मिलकर जॉय मुखर्जी प्रोडक्शन ने बनाई नचनिया, और बहुत आगे की भी प्लानिंग है। अभी मैं एक फिल्म शुरू करने जा रहा हूँ, वेब सीरीज है गुटका किंग, और वो भी अंडर जॉय मुखर्जी प्रोडक्शन होगा, और बहुत सारे सीरियल्स के भी प्लान हैं अलग अलग चैनल के लिए, तो बहुत सारे स्क्रिप्टिंग और राइटिंग पर काम शुरू हो गया है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ।